हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएम इलेक्ट्रिकल्स। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मेथड स्टेटमेंट कैसे बनाएं। मेथड स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट कंपनी को अवार्ड की जाती है, तो उस कंपनी को जो मेन कंसल्टेंट है या फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको ये मेथड स्टेटमेंट बनाकर सबमिट करना पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल वर्क्स की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए मेथड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इन द डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है मेथड स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। तो ये जो फ्रंट शीट है, इस पे कुछ अथॉरिटीज़ की साइन होंगी। तो इसमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं, इसमें ड्राइंग नंबर आपको डालना है, उसकी रिविज़न डेट और रिविज़न, उसकी ये जो रिविज़न डेट और रिविज़न है वो ड्राइंग की होंगी। उसके बाद आप प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम में जो प्रोजेक्ट का नेम है वो आप यहाँ पे फिल अप कर लें। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम चाहिए यहाँ पे। उसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेबल बनी हुई है, यहाँ इस टेबल पे प्रिपेयर बाय लिखा हुआ है। प्रिपेयर बाय जिसने बनाया है तो उसका नाम, पोजीशन और साइन होना चाहिए। और जो रिव्यू अथॉरिटी है उसकी भी नेम चाहिए, साइन चाहिए और पोजीशन चाहिए। उसके बाद जिसको अप्रूव करना है, जो भी कंसल्टेंट है या फिर सीनियर इंजीनियर है या फिर जो भी है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी पोजीशन, उसके नाम और उसकी साइन यहाँ पे होंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाए, ये वाला जो टेबल है ये रिविज़न हिस्ट्री है कि इससे पहले अगर आपने मेथड स्टेटमेंट सबमिट किया है, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है तो प्रीवियस जो रिवीजन है उसकी ज़ीरो या फिर जो भी है उसकी रिवीजन आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डेट, उसके बाद जो भी स्टेटस आई थी पहले वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, मीन्स इस मेथड स्टेटमेंट में क्या क्या अटैचमेंट आपको बनानी पड़ेंगी आप इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट में, फर्स्ट में स्कोप एंड पर्पस, मीन्स जो आपका स्कोप है यहाँ पे आपको क्लियर क्लियर एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको जो रिव्यूअर है वो क्लियरली समझ जाए कि आपके स्कोप में ये है और इस स्कोप के लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड्स है, वो सारी इसमें आपको देनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट में है स्कोप एंड पर्पस। उसके बाद दूसरी में है लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपको देना है। उसके बाद थर्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपको फॉलो करते हुए इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करना है। उसके बाद फोर्थ में है डिफिनीशन एंड अब्रिविएशन, इसमें कुछ शॉर्टकट्स यूज़ किए हुए हैं, शॉर्टकट वर्ड्स, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो भी इसमें आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद फिफ्थ में है प्रोजेक्ट डिटेल, जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो आपको इसमें फिट करना है। उसके बाद सिक्स्थ में है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो भी प्रोजेक्ट टीम है, प्रोजेक्ट टीम में सबसे फर्स्ट में आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद HSC मैनेजर आता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजर, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर, उसके बाद फोरमैन, उसके बाद एम्प्लाई। ये जो चेन बनी हुई है, एक तरह का अलग अलग पोजीशन, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आपको वो भी वन बाई वन आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सेवेंथ में द स्कोप ऑफ वर्क, इसमें आपको फुल डिटेल्ड आपको जो भी इंस्टॉलेशन मेथड्स है आपको यहाँ पे शो करना है। उसके बाद नाइन्थ में है, एट में है रिस्क असेसमेंट, इस वर्क को कंप्लीट करते तक में जो भी रिस्क आएंगी उसका असेसमेंट करना, तो वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नाइन्थ में है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट, टेंथ में है इक्विपमेंट एंड टूल्स, इलेवेंथ में है मैन पावर, कितनी मैन पावर आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इक्विपमेंट टूल्स आपको चाहिए, वो सारा चीज़ आपको इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद ट्वेल्थ में है सेफ्टी इंडक्शन, 13 में PPE, ये सारे जो है वो सेफ्टी रिलेटेड यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एग्जांपल के साथ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में जो मैं आपको इंडेक्स में दिखाया था, स्कोप एंड पर्पस दिखाया था, इसमें आपको सिंपली एक समझिए इस तरह का एक टेम्पलेट बना हुआ है, इसमें आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है। एडिट करके जो भी आपकी वर्क स्कोप है वो आपको डिटेल फिल करना है, एक्सप्लेन करना है और ये आप बना सकते हैं। अगर ये आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं,
अबाउट में जाने के बाद वहाँ पे ईमेल शो होगा, उस ईमेल पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कोप ऑफ वर्क में यहाँ पे आपको, अगर ये इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए बनाया जा रहा है तो आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क्स आपको एडिट करना है यहाँ पे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल वर्क्स यहाँ पे एडिट करना है। बाकी जो है ये जनरल थिंग्स है, आप कोई किसी भी अलग वर्क्स के लिए ये सेम डिफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट में जो भी लॉज वगैरह बने हुए हैं वो सारे आपको इसमें डालने का है। फर्स्ट में है लेबर लेबर लॉ ऑफ 21 ऑफ 2016, तो जो भी लेबर लॉ है वो आपको फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। सेकेंड में है कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन, जो भी कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन है जिस वर्क के रिलेटेड आपको फॉलो करते हुए वर्क को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है नेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट लॉज रेगुलेशन एंड मिनिस्ट्री ऑर्डर्स, जो भी सेफ्टी की जो लॉज बनी हुई है वो आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद सुप्रीम काउंसिल ऑफ हेल्थ रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस, ये भी आपको फॉलो करना है। इन्वायरमेंटल लॉ नंबर दिस वन, ये ऑल्सो आपको फॉलो करना है। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशन, ये भी आपको फॉलो करना है। तो ये जो भी कुछ स्टैंडर्ड और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है आपको फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा के लेके जाना है। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ISO हो गया, EMS हो गया, QMS हो गया, सारी चीज़ें आपको फॉलो करके चलनी पड़ेंगी। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ये भी फॉलो करना है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये भी फॉलो करना है। यानी जो भी वर्क एजुकेशन के रिलेटेड या फिर मटेरियल के रिलेटेड जो भी क्वालिटी वाइज जो भी चीज़ें हैं वो इन सब स्टैंडर्ड में सबकी एक डिटेल्ड जो है चीज़ लिखी हुई है, तो आप इसके थ्रू आपको फॉलो करते हुए आपको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद डिफिनीशन में है जो भी इसकी शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट नेम है, शॉर्ट नेम है, उसको आप देख सकते हैं। PPE को बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन्स PPE का मतलब हुआ कि जब बंदा साइट पे जाता है तो साइट सेफ्टी, सबसे पहले उसको अपने सेफ्टी जो है देखना चाहिए। तो सेफ्टी में आप उसको हेलमेट पहनना चाहिए, उसके बाद आइज़ के लिए गॉगल्स यूज करना चाहिए, उसके बाद एक रिफ्लेक्टिव जैकेट होता है कवर ऑल वो पहनना चाहिए बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, ये कुछ रिक्वायरमेंट है। तो आप इसमें देखेंगे कहीं कहीं पे फुल PPE लिखा हुआ होगा, मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मतलब खुद की बॉडी को जो प्रोटेक्ट कर रहा हो लाजिम चाहिए साइड पे, अगर कुछ अगर ऊपर से गिर भी जाए तो हेलमेट से उसे कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे है प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट डिटेल में आपको प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट नेम, कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद इसमें क्या क्या अटैचमेंट है वो सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। उसके बाद सिक्स में आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम है कि जो भी उस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है, उसको अरेंज करके देना है। HSE मैनेजर का वर्क है कि वो जो साइट को देखे, एनालाइज करे, और एनालाइज करने के बाद जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए, कुछ विदाउट जीरो एक्सीडेंट पूरा वर्क कंप्लीशन होना चाहिए। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा देख रेख करना सेफ्टी का। उसके बाद तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम है कि जो भी साइट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, और जो भी वो रिपोर्ट है वो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को देना होता है। तो ये जो साइट एक्टिविटीज है सारे जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंदर आते हैं। उसके बाद सिक्स पे है सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर फुल टाइम साइट पे होना चाहिए क्योंकि किसी टाइम पे कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए सेफ्टी ऑफिसर हमेशा जो एम्प्लाइज है, जो वर्कर्स है, उनको देखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, ताकि अगर कोई वर्किंग एट हाइट पे वर्क कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे डेंजरस हो सके, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेफ्टी ऑफिसर को हमेशा साइट पे होना चाहिए। उसके बाद पाँचवें नंबर पर क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर वो इंश्योर करता है कि जैसे साइट पे जो वर्क हो रहा है, जो मटेरियल है वो अप्रूव्ड ब्रांड की है या नहीं है, या फिर जो प्रोसीजर है, जो एक करेक्ट इंस्टॉलेशन गाइड है, उसके अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को वो हाईलाइट करके वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर या उसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको वो हाईलाइट करेगा। उसके बाद सिक्स नंबर पर है फोरमैन, फोरमैन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करे और
जो भी साइट पे जो वर्क हो रहा है वो एज पर अप्रूव्ड मेथड स्टेटमेंट होनी चाहिए, और जितने भी रिस्क है उसको असेसमेंट करने के बाद जो भी डेंजरस हैजर्ड वाली चीज़ें हैं उसको अवॉइड करते हुए अच्छे से मैनेज करके अरेंज करके उसके बाद साइट एग्जीक्यूशन कराना चाहिए। उसके बाद आप देखें इम्प्लाई जो है स्टाफ भी हो सकते हैं, वर्कर भी हो सकते हैं, तो इन सबको भी जो फुल पीपीई में होना चाहिए, और जो भी जिसको जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो उस पर अपना प्लान के साथ अपना उस पर वर्क करते रहें बस। तो आगे चलते हैं, आगे है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क में आप देखेंगे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। स्कोप ऑफ वर्क में आप देखेंगे तो जो भी आपकी प्रोजेक्ट की स्कोप ऑफ वर्क है आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है, और जो भी ड्राइंग है आप यहाँ पे अटैच कर दें ड्राइंग नंबर के साथ ताकि क्लियर पता चल जाएगा है। उसके बाद जो भी इसकी स्कोप है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो उसकी सीक्वेंस ऑफ वर्क मेथोलॉजी, सबसे पहले आपको सॉफ्ट ड्राइंग मटेरियल सबमिटल प्रिपरेशन करना है, उसके बाद इंस्पेक्शन होगा मटेरियल का, तब आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद जो भी एक्टिविटीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको कंटेनमेंट वर्क से शुरू करना है। तो कंटेनमेंट वर्क में आप देख सकते हैं जीआई कंडूटिंग है, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर नीचे देखे तो ये पीवीसी जीआई कंडूटिंग है, पीवीसी रिजिड कंडूटिंग है, तो ये जीआई है, ये पीवीसी है, ये स्टील वाला है। तो इसकी क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे आप इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेथड स्टेटमेंट में इंक्लूड करना रहता है। उसके बाद आगे चलिए, ये फ्लेक्सिबल कंडूट है। कंडूट भी कई तरह के होते हैं, रिजिड होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर। उसके बाद नीचे है फ्लेक्सिबल कंडूट, ये जो कनेक्शन है कनेक्शन के साइड में लगाया जाता है जहाँ पे जीआई कंडूटिंग रिजिड वाली अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं, केबल ट्रे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में केबल ट्रे के बारे में, उसके बाद ट्रंकिंग के बारे में बताया गया है, वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा पॉइंट। उसके बाद नीचे आइए, लाइटिंग इंस्टॉलेशन डिटेल, लाइट्स को आप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसकी सारी डिटेल इसमें दी हुई है, तो आप ये सारा कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन वर्क्स है, इसके स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन का मतलब जितने भी फिक्सर्स डिवाइसेज है आउटलेट्स है वो किस तरह से लगाते हैं तो आपको इधर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आ जा, उसी के बारे में है। उसके बाद डीबी पैनल सर्किट टर्मिनेशन वर्क, यानी डीबी पैनल सर्किट लगाते हैं तो डीबी पैनल अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें किस तरह से केबल टर्मिनेशन करना है, ये सारी गाइडलाइन सारे पॉइंट्स इधर है। उसके बाद उसकी माउंटिंग हाइट के बारे में आपको मेंशन करना है कि कौन सी चीज़ें कितनी हाइट पे लगेंगी, या फिर ड्राइंग में क्या दिया हुआ है वो सारा कुछ आपको चेक करके लगाना होता है। उसके बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग किस तरह से करना है पैनल बोर्ड को वो सारी डिटेल्स इधर है। उसके बाद फिर आप नीचे चले आएँ, नीचे भी कमीशनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, आप टेस्टिंग कैसे करें डीबी को वो भी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं वीडियो का लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो सारे पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद फाइनल टेस्टिंग में भी कुछ पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी के रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर आप नीचे आ जाए तो ये जो भी है जनरल है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड टूल्स, इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं टूल्स वो सारे इसमें बताया गया है, तो ये देखिए। उसके बाद मैन पावर के बारे में है, मैन पावर में क्या क्या आता है, क्या क्या पोजीशन के होते हैं लोग। उसके बाद सेफ्टी इंडक्शन में है, सेफ्टी इंडक्शन इसलिए कराया जाता है ताकि साइट पे जो भी प्रॉब्लम्स हो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद सेफ्टी साइंस लगाए जाते हैं, ये सारा कुछ है। वेंटिलेशन और नॉइज कंट्रोल को भी विशेष ध्यान दिया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितने भी डेब्रीज जो भी कचरा जो निकलते हैं साइट से उसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, नहीं तो पूरा जो साइट है वो बिखर जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी।
सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आपको ये मेथड स्टेटमेंट चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।